लेकिन नहीं, मैंने अफगानी कपड़े पहन रखे हैं, बट मैं हूँ पूरी देसी, पूरा इंडियन हूँ मैं। तकरीबन एक साल पहले से मुझे दिमाग लगा रहा यार। भाई साहब पीछे कुछ तालिबान के मेंबर मिल गए थे तो गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, एक वापस से नए वीडियो और नए सीरीज में आपका स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में आपने मुझे देखा होगा मैक्सिको में, और अभी आज 14 सितंबर है, ये वीडियो आई थिंक 15 दिनों के बाद ही आ रही, क्योंकि मैं अफगानिस्तान जा रहा हूँ। फिलहाल आपको मैंने बताया था मैक्सिको की सीरीज में ही कि मैं अफगानिस्तान जा रहा हूँ, इसलिए मैं लोकल ड्रेस में तैयार हूँ। और अभी सुबह के 1:13 हो रहे हैं 14 सितंबर के, और मेरी फ़्लाइट है 3:30 की। तो फटाफट मैंने टैक्सी बुक कर लिया है, टैक्सी से मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट एंड अनुषा के घर पे था। अनुषा कुछ बोलना चाहेगी? सेफ जर्नी। चलो तालिबान का तारीफ करना, चलो चलता हूँ डायरेक्टली यहाँ से मैं अब एयरपोर्ट एंड एयरपोर्ट से अफगानिस्तान। एक नई सीरीज, काफ़ी एक्साइटेड हूँ, वापस से जा रहा हूँ अफगानिस्तान एक साल के बाद, अच्छा लग रहा है। तो भाई मेरी टैक्सी आ गई है, मैं निकलता हूँ अब यहाँ से। क्या हाल है भाई? ठीक है, चलो आगे बैठ जाओ। मैं ठीक है। कहाँ से हो भाई? मैं नेपाल से। नेपाल से? मैं इंडिया से, बिहार से, आपके पड़ोसी हूँ मैं। पाकिस्तान से। अच्छा फिर जाऊँ पहनने ना। अच्छा अच्छा, एक्चुअली मैं अब जा रहा हूँ अफगानिस्तान, तो इसलिए मैं ये लोकल लोकल कपड़े पहन रखे हैं मैंने। हाँ तो जनाब भाई साहब चेक इन हो गई है। जब मैं वहाँ पड़ गया तो उन्होंने कहा आप इंडियन हो? मैंने कहा भाई साहब इंडियन हूँ, इंडियन पासपोर्ट होल्डर हूँ। नहीं, वो कहेंगे बहुत सारे अफगानी के पास भी इंडियन पासपोर्ट है ना। नहीं कहा नहीं, मैंने अफगानी कपड़े पहन रखे हैं, बट मैं हूँ पूरी देसी, पूरा इंडियन हूँ मैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा जा कहाँ रहे हो? मैंने कहा घूमने। अब चौंक गए भाई, चौंक गए कि अफगानिस्तान जा रहे हो? फिर बोलते हैं तालिबान से डर नहीं लगता, क्या करते हो? मैं अच्छा वीडियो वगैरह बनाते हो फ़ोन से ही? मैंने कहा हाँ। अब थोड़े काफ़ी प्यार से बात कर रहे थे, सारे अफगानी थे वहाँ पे जो बैठे हुए थे, काम एयर की एयरलाइन है। और अभी मैं आ गया हूँ चेक इन करा के, मेरे पास अभी काफ़ी मतलब 2.5 घंटे टाइम बचे हुए हैं, इसलिए नहीं 1.5 घंटे बचे हैं, 2 बज रहे हैं अभी। तो अभी 3:30 के फ्लाइट, 2 घंटे बचे हुए हैं। थोड़ा बाहर आ गया, थोड़ा मैं घूमते घूमते पैसे वगैरह सब चेंज करवा लिया है मैंने। और भाई साहब हाँ, मुझसे मांग रहे थे रिटर्न टिकट। मैंने कहा रिटर्न टिकट मतलब? मैंने कहा कि आपको लगता है कि मैं इलीगली रहूँगा? मैंने कहा वो बोले इलीगली की बात नहीं है, ये रूल है, ऐसे ही बोला मतलब अफगानिस्तान भाषा में जिस तरह बोलते हैं। मैंने कहा मेरे पास रिटर्न टिकट नहीं है, मैं ऐसे जा रहा हूँ ईरान, मैं आपको चाहूँ तो ईरान का वीज़ा दिखा सकता हूँ, कि मेरे पास ईरान का वीज़ा ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं। फिर उन्होंने दे दिया मुझे पासपोर्ट, एंड या सब कुछ सही रहा। ये मेरे इंडियन ब्लू पासपोर्ट पे, ब्लू या डार्क ब्लू बोल लो, हाँ पे मुझे मिल गया टिकट काम एयर की। चलो वेलकम टू अफगानिस्तान फॉर द सेकेंड टाइम, काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस ट्रिप के लिए, एंड आप मेरे साथ जुड़े रहो, देखते हैं कैसा है तालिबान कंट्रोल अफगानिस्तान। सो भाई एवरीथिंग इज फाइन, मैं आ चुका हूँ अभी इमिग्रेशन वगैरह करवा के अपने गेट की तरफ। हालांकि ये दुबई का टर्मिनल 1 है, टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 पे आपको डायरेक्टली आप गेट पे पहुँच जाते हैं, बट यहाँ पे आपको काइंड ऑफ छोटी सी ट्रैम या फिर मेट्रो बोल लो या तो फिर गाड़ी बोल लो लेनी पड़ती है। यहाँ से आपको मिलेगी इस तरह की मेट्रो होती है। और भाई यहाँ भी मैंने कल देखा, मैक्सिको वाला हाल है, यहाँ भी चलती है भाई गाड़ी के पहिए होते हैं, तो यहाँ भी गाड़ी के पहिए पे चलती है। यहाँ पे लोग बैठ के वेट कर रहे हैं, यहाँ पे यही है जाने का गेट D-32 तक, या तो फिर कनेक्शन वगैरह के लिए इधर से ही जाना पड़ेगा। भाई साहब मेरी ट्रेन आ गई है, ये है भाई ट्रेन मेरी भाई। 3-4 डब्बे हैं इस ट्रेन में, कुछ खास यहाँ पे है नहीं, और 3-4 भाई 4 मिनट का रास्ता है, मान के चलो 4 से 5 मिनट का रास्ता है जो आपको डायरेक्टली छोड़ देगा आपके बोर्डिंग गेट पे, तो अच्छी बात है। चलो चलते हैं अपने बोर्डिंग गेट पे। आई थिंक अभी तो कुछ नज़ारा दिखेगा नहीं, ये देख रहे हो ऐसा कुछ दिख रहा है। तो भाई साहब मेरे पीछे है यहाँ पे वैट रिफंड, अगर आपने या दुबई में कोई सामान खरीदा और आप टूरिस्ट हो तो यहाँ से अपना रिफंड वापस कर सकते हो, बस आपको अपना वैट रिफंड यहाँ पे आना पड़ेगा। आप कैश भी ले सकते हो और आपके कार्ड पे भी मिल जाते हैं, बट कनेक्शंस वगैरह यहाँ पर है। मेरी बोर्डिंग गेट है D-25, तो मुझे जाना है सीधा इस तरफ। काफ़ी ब्यूटीफुल ये ड्यूटी फ्री एरिया है, यहाँ पर अफगानी करेंसी तो मुझे लगता नहीं मिलने वाली है। हालांकि मेरे पास भाई 500 अफगानी करेंसी पड़ी हुई थी जब पिछले बार जब गया था ना भाई, तो वही 500 अफगानी करेंसी लेके जा रहा हूँ।
500 इंडियन रुपीज़ में हो जाएंगे, 450 रुपये के आसपास। इंडियन रुपीज़ और अफगानी करेंसी में ज़्यादा अंतर है नहीं खास करके, मतलब अभी इंडियन रुपीज़ चल रहा है फॉर डॉलर 80 रुपीज़ के आसपास, और अफगानी करेंसी चल रही है 85-86 के आसपास। ये भाई काफ़ी अच्छा रेस्ट एरिया है, यहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हो, ठीक ठाक कंफर्टेबल सीट लग रही है। अगर आपको रात भर की सफ़र करनी पड़े तो काइंड ऑफ यहाँ आके सो भी सकते हो, क्योंकि नीचे कारपेट बिछा हुआ है। मेरी फ्लाइट है भाई काम एयर 330 की D25 में, और भी बोर्डिंग चल भी रही है, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये वाली D25 और बोर्डिंग चल रही है। चलता हूँ मैं अपने D25 की तरफ, उधर है D1 से D12 और D22 से D27, तो मेरा D25 के आसपास है। काफ़ी ब्यूटीफुल एरिया है भाई ये, टर्मिनल काइंड ऑफ एक्चुअली ना ये टर्मिनल 1 टर्मिनल 3 मिला हुआ है, और टर्मिनल 2 डिफरेंट है। जब टर्मिनल 1 पे आते हो तो आपको काइंड ऑफ टर्मिनल 3 पे लेकर चले जाते हैं, जाओ तो यहाँ से टर्मिनल 3 के डायरेक्टली जा सकते हो यहाँ से, क्योंकि दोनों का बोर्डिंग गेट ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। बट टर्मिनल 2 डिफरेंट है, क्योंकि टर्मिनल 2 पे सिर्फ चलती है फ्लाई दुबई और कुछ लो कॉस्ट एयरलाइन जैसे एयर इंडिया एक्सप्रेस वगैरह, और टर्मिनल 3 पे चलती है मोस्टली इमिरेट्स, और टर्मिनल 1 से ऑल सारी कंट्री की एयरलाइन। तो भाई साहब मैं अपने गेट पे आ गया हूँ, ये है D25, ये बता रहे हैं फाइनल कॉल, कुछ जल्दी नहीं कर रहे फाइनल कॉल, ये अभी 2:42 हो रहा है, 3:30 की फ़्लाइट है, तो 18+30 48 मिनट पहले फाइनल कॉल कर रहे हैं, जल्दी 40 मिनट पहले तो ओपन ही होता है गेट। ये सब अलाउड नहीं है, ऑफकोर्स गन वगैरह अलाउड नहीं है, लोग लगे हुए लाइन में, मैं सबसे लास्ट जाऊँगा पैसेंजर, सबको जाने देता हूँ फिर जाऊँगा मैं। हाँ भाई साहब तो प्लेन पर बैठ चुका हूँ, बस निकलने वाला हूँ, हालाँकि विंडो सीट मिली नहीं तो आपको कुछ वीडियो दिखा नहीं पाऊँगा, एक्चुअली रात हो रहा है यहाँ पे क्या ही दिखाऊँ, बट जब सुबह मैं लैंड करूँगा काबुल 7 बजे काबुल टाइम के अनुसार, दुबई और काबुल के टाइम में अराउंड हाफ घंटे का डिफरेंस है, और इंडिया और काबुल के टाइम में 1 घंटे का डिफरेंस है, हाँ 1 घंटे का डिफरेंस है। तो इंडिया UTC+5:30 है, बट काबुल UTC+4:30 है, तो ये सिस्टम। अभी बज रहे हैं 3:16 और आई थिंक 7 बजे के आसपास की हमारी लैंडिंग टाइम है, तो चलते हैं काबुल, वेलकम टू अफगानिस्तान फॉर द सेकंड टाइम, काफ़ी एक्साइटेड हूँ वापस अफगानिस्तान जाने के लिए। तो भाई मुझे खाने की तो कुछ उम्मीद नहीं थी, बट खाने में ये मिला है ऑमलेट है, लाइक देख लो ये स्पाइस ऑफ का, और फ्रूट्स हैं, जूस वगैरह कुछ दिया है उन्होंने, बस हम लोग भाई जा ही रहे हैं, जैसा माहौल दिख रहा है यहाँ पर। मुझे भाई ये सीट मिली है और मेरे साथ ये भाई साहब बैठे हुए हैं, बट चलो अब चलते हैं फटाफट, आपसे मैं काबुल में मिलता हूँ, ठीक है? ठीक है, हाँ नंबर 1 है ना, सब सही है, सही है, सही है, चलो सही है। तो भाई साहब मैं काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ चुका हूँ, थोड़ी नींद आ रही है क्योंकि थोड़ी फ़्लाइट में सो गया था, हालांकि फ़्लाइट से पहले भी सो ही रहा था, बट अच्छी खासी धूप उगी, और अभी 6:54 हो रहे हैं काबुल टाइम लोकल टाइम में, 7 बजे के आसपास हम लोग लैंड कर चुके हैं, और कुछ लोग जा रहे हैं। अब तो मैं दिखाना चाहता हूँ बाहर का नज़ारा, भाई बाहर तो अभी सब कुछ नॉर्मल ही है, मुझे याद है आज से तकरीबन एक साल पहले का वो दर्दनाक नज़ारा, जब लोग कैसे कूद कूद के जा रहे थे, जब लोग यहाँ से कूद रहे थे, लोग इस रनवे पे जिस पे लैंड की वहाँ पे लोग भरे पड़े थे, मतलब तो अब काइंड ऑफ एक साल में चीज़ें काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गई है, क्योंकि अगर लोग नॉर्मल हैं, प्लेन नॉर्मल लैंड कर रही है, मुझे तो पहले लगा था कि प्लेन चलती भी नहीं होगी अफगानिस्तान वगैरह के लिए, बट फिर मैंने ये किया तो ये काम एयर चलती थी, बट जो अदर कैरियर थे जैसे कि इमिरेट्स चलती थी पहले, इसके अलावा फ्लाई दुबई वगैरह आती थी, उन्होंने बंद कर रखा है। अब भाई सब यूट्यूबर हूँ मैं, क्या करूँ, एनीवे चलो, इसका नाम है हामी करजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ पर हम लोग आए हैं, और अब चलते हैं इमिग्रेशन करवाते हैं, फिर मैं आपसे बाद में बात करता हूँ इमिग्रेशन करवाने के बाद।
तो गाइज वेलकम टू काबुल। मैं काबुल पहुंच चुका हूं। इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ करवा लिया, काइंड ऑफ इजी था। लंबी लाइन थी इमिग्रेशन की, बट फिर स्लोली स्लोली देन स्टाम्प माई पासपोर्ट और सब कुछ नॉर्मली रहा। एक बात मैं आपसे और डिस्कस करना चाहूँगा कि जो ये काफ़ी बड़ा सवाल रहता है कि यहाँ पे लड़कियों का क्या, मतलब मैंने देखा भाई कि एयरपोर्ट पे लड़कियाँ भी काम कर रही थी। मतलब हाँ मान के चलो कि अगर पहले 10 काम कर रही होती है तो अब 3-4 काम कर रही होती है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से गायब है, बट कुछ लोग अभी तक भी काम, मतलब लड़कियाँ काम कर रही है। ये सब एरिया भाई आपको याद होगा, लाइक ये सब एरिया से लोग अपने बच्चे को वगैरह को फेंक रहे थे, याद है आपको? इसी एरिया से, यहीं से अपने बच्चे वगैरह को फेंक रहे थे। बट अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, अपने होस्ट के घर, खासतौर पर होस्ट के घर निकल रहा हूँ। ये कुछ अभी काबुल की इस तरह की सड़कें दिख रही है भाई, लाइक नॉर्मल सड़कें हैं, कुछ खास नहीं है यहाँ पर। और कुछ लोगों से मैंने बातचीत की, जितना मुझे समझ में आया कि भाई सच कह रहा हूँ, जब मैं कल आ रहा था थोड़ा मुझे डर सा लग रहा था, लेकिन आज लाइक आने के बाद मैं काइंड ऑफ रियली कहूँगा तो मैं काफ़ी काइंड सेफ फील कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे काफ़ी डर लग रहा है, रियली सेफ फील कर रहा हूँ। सो या वेलकम टू काबुल, वेलकम टू अफगानिस्तान फॉर द सेकंड टाइम। आई होप इस ट्रिप में मैं आपको कुछ ज़्यादा दिखा पाऊँ, क्योंकि पिछले ट्रिप में मुझे ट्रिप को एंड करना पड़ गया था। आपको पता है क्यों एंड करना पड़ गया था, यू नो जेल वगैरह जाने के कारण। तो बाकी इस ट्रिप में सब कुछ सही रहे। हाँ बाकी अब ये हाल है, काबुल और अफगानिस्तान एक बहुत ही बड़े यू नो इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, तो यहाँ पे आके देखते हैं कि चीज़ें क्या हुई है। ये टैक्सी भाई साहब मैंने एयरपोर्ट से ही लिया और इसके लिए मैंने पे कर रहा हूँ 500 अफगानी और रुपये, तो अराउंड मान के चलो भाई 450 रुपये बनेंगे इंडियन रुपीज़ में। साले भाई साहब यहाँ पे बहुत सारे मुझे नो अमेरिकन टैंक वगैरह दिख रहे हैं, जो अमेरिका छोड़ के गए थे यहाँ पे, वो सब यहीं पे मुझे दिख रहे हैं। और इस तरफ भाई पूरा एकदम एयरपोर्ट का है, पूरा ये जो आप एरिया देख रहे हो, ये सब पूरा एयरपोर्ट वाला एरिया है। और यहीं से आप सब कारनामा देखे थे कि आप लोग यहाँ से जा रहे हैं, छलांग मार रहे हैं, यहीं पर लोग बैठे हुए थे, तो इसी वाले पार्ट में बैठे हुए थे। कहीं मुझे डर भी लग रहा है कि वीडियो बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, लेकिन काफ़ी लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि लाइक काफ़ी फ्री हो गया है अब, लाइक प्रीवियस गवर्नमेंट में कि आप वीडियो वगैरह उतना नहीं बना सकते थे, लेकिन इस यहाँ पे आप कहीं ना बना सकते हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको। बाकी देखता हूँ, मेरा अभी तक कभी इनकाउंटर नहीं हुआ अभी तक एक भी तालिबान से। मैंने तालिबान मेंबर को देखा वहाँ पे जब मैं एयरपोर्ट पे था, तो वहाँ पे काफ़ी सारे तालिबान मेंबर थे, बट मेरा एक्चुअली उनसे अभी तक इनकाउंटर नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे मेरी बातचीत नहीं हुई। और उनको आई थिंक हिंदी भी उतनी अच्छी नहीं आती, हिंदी या उर्दू जो बोलो उतनी अच्छी नहीं आती, तो फिर ये कारण है ऐसे चल रहा हूँ भाई इस रास्ते में। तो भाई साहब जो मेरे होस्ट ने मुझे लोकेशन दिया था, मैं उस लोकेशन पे पहुंच चुका हूँ। काइंड ऑफ स्मॉल मार्केट है ये, स्मॉल नेबरहुड है ये, लाइक कुछ खासा बड़ा यहाँ पे है नहीं, कुछ ऐसा दिखता है भाई ये एरिया जहाँ पर मैं आ चुका हूँ। स्मॉल मार्केट एक नाम का भी स्मॉल मार्केट है, और यहाँ पे ब्रेड वगैरह बिक रही है, और छोटा सा मार्केट यहाँ पर। ये भाई साहब ब्रेड खा रहे हैं नीचे, तो ये कुछ ऐसा माहौल है यहाँ पर। बस मैं वेट कर रहा हूँ अपने होस्ट का, अगर मेरे होस्ट आ जाएंगे फिर उनके घर चलेंगे और उनके घर जाके रहेंगे। भाई साहब यहाँ पे पोमेग्रेन अनार के जूस चल रहा है, ये भाई साहब अनार बना रहे हैं, दो अनार बना रहा है भाई साहब ये। बट ये मैं अपने होस्ट के घर गया था और मैं यहाँ कैसे पहुँच गया, एक स्टोरी है। तो बेसिकली भाई वो स्टोरी आपको बताता हूँ। फिलहाल मैं अभी अनार का जूस पीता हूँ, जूस पीने के बाद थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे कुछ लाइक एरिया है, गवर्नमेंट एरिया है, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा कैमरा यूज नहीं करना चाहता। मैं थोड़ा दूर जाके आपको बताता हूँ, मार्केट की तरफ जाकर बताता हूँ कि चक्कर क्या चल रहा है। तो भाई साहब मैं सिम लेने के लिए आ गया था, क्योंकि सिम मेरे पास है नहीं। मेरे पास सिम था एक्चुअली एरालो वाला जो मैं यूज करता हूँ जनरली, जो मेरा ई सिम था, बट उसमें 3G आ रहा, इंटरनेट बहुत स्लो है यहाँ पे। तो मैंने कहा मुझे एक फास्ट स्पीड वाला सिम कार्ड चाहिए, तो मैंने यहाँ पे आके, रोशन नाम की कंपनी है, रोशन कंपनी में लिया यहाँ से। काफ़ी अच्छे लोग थे यार, काफ़ी अच्छी हेल्प कर रहे थे मेरी, बाकी बट काफ़ी टायर्ड हूँ मुझे आज। आई थिंक जल्दी आज का दिन और ब्लॉग समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे काफ़ी जोरों से नींद आ रही है, यहाँ पे बैठे बैठे सो रहा हूँ, आखिर रात भर सोया नहीं हो यार। तो भाई आज का दिन कुछ खास नहीं रहा, अभी ऑलरेडी 5 बज गए शाम के। सुबह निकला था, सबसे पहले गया था मैं परमिशन लेने के लिए, एक पेज का काम हुआ, उसके बाद कुछ काम नहीं बन पाया वो परमिशन वाला, वो दिखाता हूँ उसे बाद में दिखा दूँगा कभी, उसमें भी काफ़ी लफड़ा, वो सब बात करूँगा जाके मैं, अभी नहीं, अपने घर जाके बात करूँगा, वहाँ पे इजीली हो पाएगी बात और सही से आपको समझा पाऊँगा कि क्या चक्कर है यहाँ पे, सिचुएशन क्या है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आया था पैसे वगैरह देखने के लिए, पैसे एक्सचेंज वगैरह कराने के लिए, मैंने एयरपोर्ट पे कराया था,
एयरपोर्ट पे भाई मुझे रेट मिला 86.5 का, या 86.5 या 87.5 का उन्होंने रेट दिया था मुझे, और यहाँ पे मुझे रेट मिला 88 का रेट यहाँ मिल रहा है। तो जब भी आओ तो सिटी में आप पैसे जाके चेंज करवाना, थोड़ा बेटर रेट है, उतना भी बेटर नहीं, थोड़ा सा बेटर रेट है। तो ये कुछ ऐसी गलियाँ दिख रही है भाई। यार भाई साहब पीछे कुछ तालिबान के मेंबर मिल गए थे तो फिर मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया। मैं एक्चुअली समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ वीडियो मुझे बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। मैं सब समझ रहा हूँ कि क्या चक्कर है कैसा है, क्योंकि ये पूरी गवर्नमेंट बदल चुकी है, तो जब मैं पिछली बार आया था तो वो डिफरेंट थी। आपका क्या नाम है भाई? जावेद। जावेद भाई साहब मुझे अपने घर पर छोड़ रहे हैं। मतलब काबुल काफ़ी बदल गया है एक साल से, एक साल पहले मैं काबुल आया था और काफी बदल गया आपका बोल तो, बहुत बदल गया ना। चलो मतलब काफी बढ़िया बदल गया है, ऐसे कुछ रोड्स के सीने दिखेगी आपको। तो उधर तालिबान चेक पॉइंट है और ये तालिबान का फ्लैग है। पता नहीं मैंने रिस्क लेके ये सर वीडियो बना लिया आपको दिखाई दिया कि तालिबान चेक पॉइंट सारे अमेरिकन वेपन्स के साथ खड़े हैं, एकदम मशीन गन के साथ खड़े थे यार। यहाँ पे मशीन गन के साथ रोड पे खड़े रहना ये समझ मतलब समझ वाली बात नहीं है, समझ नहीं आ रहा, डराने के लिए खड़े हैं क्या? अब एनीवे जो भी था, सिम कार्ड के लिए मैंने पे किया 750 अफगानी सोम और अफगानी रुपया है, और मुझे मिला 15 GB 750 में। बट जो लेडी वहाँ पे काम कर रही थी भाई, मुझे मतलब काफ़ी हैरान था कि वहाँ पे 4-5 लेडी काम कर रही थी, एंड अभी तो दिख नहीं रहा होगा, हालांकि उन्होंने मेरा फिंगरप्रिंट भी लिया जब मैं सिम कार्ड खरीद रहा था, तो क्योंकि मैंने ठप्पा लगाया, यू नो ठप्पा जो होता है ना, ठप्पा लगाया मैंने 800 रुपये 750 रुपये में, मतलब इंडियन रुपये 700 बनेगा, 750 रुपये 15 GB मिला है मुझे, और आई थिंक कुछ कॉल भी वगैरह भी मिले हैं, बट कॉल तो उतना मैं यूज नहीं करता हूँ, इंटरनेट यूज करूँगा मैं, 15 GB है। आई डोंट नो लास्ट बार जब आया था यहाँ 4G 4.5G तक था, इस बार तो मुझे सिर्फ 3G दिख रहा है भाई, 3G के अलावा मुझे अभी तक मुझे 4G नेटवर्क अभी तक नहीं आया है मेरे पास, रिसेप्शन नहीं है 4G नेटवर्क का अभी तक मेरे पास। तो भाई तालिबान फ्लैग का फ्लैग हर जगह है और यहाँ पे तालिबान के मेंबर खड़े हुए हैं गन के साथ। तो भाई एक साल पहले जो वो सब लोग एयरपोर्ट वगैरह जा रहे थे तो क्या सिचुएशन थी काबुल की, खराब थी या ठीक ठाक थी? लाइक एक साल पहले जब सब कुछ हो रहा था हंगामा वगैरह, सब जानता उर्दू नहीं जानते आप, सब लोग जा रहा है एयरपोर्ट। अच्छा आप गए ना? नहीं, आपकी फैमिली यहीं पे काबुल में? अच्छा काबुल में, अच्छा अच्छा। तो बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन था वो, बातें पता नहीं कैसे आपको बताऊं, बट पूछ रहा हूं लोगों से, जान रहा हूं बहुत कुछ समझ में आ रहा है, और आई थिंक मोस्ट ऑफ द चीज़ें जब मैं आपसे बात करूंगा, जब मैं कंट्री छोड़ दूंगा, अभी तो बात नहीं कर पाऊंगा मैं आपसे, लेकिन हाँ अगर कंट्री छोड़ दे तो उसके ऊपर भी ज़रूर बात करूंगा। बट हाँ बहुत ही डिफरेंट है ये जो मैं मीडिया में सुनता था, थोड़ा मिक्स है ये। तो भाई साहब मैं आ गया टैक्सी से लेके, यार अभी जब मैं लाइक उतर रहा था उन्होंने कहा कि पैसे नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। मैंने कहा भाई नहीं नहीं, नहीं पैसे यार, मतलब 150 रुपये में बात हुई है तो ले यार, अराउंड 2500 तक टैक्सी चला के लाए, पेट्रोल यहाँ पे महंगा है तो यार पैसे किस बात के नहीं ले रहे। तो यार लोग यहाँ के बहुत हॉस्पिटेबल हैं, यू नो लाइक उस भाई साहब की हालत ख़राब थी, उस जिसने मुझे बताया, कैमरा के सामने उतना नहीं बोल रहे थे लेकिन उस भाई साहब की हालत काफ़ी ख़राब थी, मतलब खाने तक के पैसे नहीं हो रहे थे, और वो भाई साहब बोल रहे हैं यार टैक्सी के पैसे मत दो, मतलब ये है भाई मेहमान नवाजी, मतलब कि खुद के लिए खाने के पास पैसे नहीं हो बट फिर भी लाइक मेहमान आएंगे तो उनको खिलाएंगे, ये है इनकी यहाँ अफगानिस्तान जो कि आपको देखने को मिलता है, ये काइंड ऑफ गैस स्टेशन है, और ये इलाका है भाई जहाँ पर मैं अभी हूँ, जहाँ मेरे काउचसर्फिंग होस्ट रहते हैं, कुछ ऐसा इलाका है। भूख लगी है बड़े जोरों से यार मुझे, को यहाँ पे कुछ खाने को मिल जाएगा क्या भाई साहब? खाना होगा क्या? खाना होगा? खाना नो खाना, चलो कोई बात नहीं, खाना नहीं है इनके पास, इधर तो कुछ दिख नहीं रहा, देखता हूँ कहाँ पे खाने को मिलता है भाई। भाई मुझे लगा था कि ओमन आपको रोड्स पे दिखेगी ही नहीं, बट ऐसा नहीं है, आपको ये देखो यहाँ पे दिख रही है, मेरे पीछे कुछ और 3-4 लोग और दिख रही थी, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं दिखती है, दिखते हैं थोड़े कम है लेकिन, परंतु ऐसा नहीं कि दिखते ही नहीं है, दिखते तो हैं। तो भाई मुझे भूख लगी थी बीड़े जोड़ों से, ये छोटा सा कैफे दिखा मुझे भाई, ये होगा क्या? ये वाला ये है क्या? दिस मैंगो अकेला? हाँ अकेला, हाँ अकेला, एक एक दे दो, एक एक दे दो, बताओ बताओ
बच्चे में उसकी गवारी बुरा थी। एक 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 ऐसी ना तेरे बर्गर होते नहीं। नहीं बर्गर नहीं, ड्रिंक ड्रिंक नो ड्रिंक अच्छा ड्रिंक नहीं इनके पास। चलो कोई बात नहीं, अलग से देखता हूँ कहाँ पे कुछ ड्रिंक मिल जाए। तो भाई आज ऑलरेडी काफ़ी लेट हो रखा है, तो पैसे वगैरह का कुछ काम तो नहीं हो पाया, बट मुझे बहुत ज़रूर से भूख लगी थी, तो मैं अपने कॉल सर्फिंग होस्ट साहिर भाई के साथ आ गया हूँ यहाँ पर खाना पीना खाने के लिए। और ये बेच रहे हैं मछलियाँ, इतने मछलियाँ हैं। मैंने ये लिया एक्चुअली, ये फ्राइड हो रहा है। हेलो, ये मेरे कौशल पर होस्ट हैं साहिर। साहिर राइट? यस साहिर। ये एक्चुअली ये इंडिया में रह चुके हैं, कितने साल किया है? 4 साल में इंडिया। हैदराबाद में हरियाणा हरियाणा अच्छा हरियाणा में रह चुके हैं 4 सालों तक। तो आपने वही हिंदी सीखी? हाँ हिंदी उधर से। अच्छा अच्छा हिंदी और थोड़ा पंजाबी भी सीख लिया। पंजाबी भी है। हाँ हाँ हिंदी पंजाबी सीखा वहीं पर। और हम लोग यहाँ पे मछली बन रहा है भाई, ये मछली खा रही है, हमारा ये वाला मछली है। और उस तरफ वो है ये भाई साहब निकालेंगे, इधर बड़े बड़े मछली फ्राई कर रहे हैं। ये दिखा रहे हैं मछलियाँ भाई। ये कुछ ऐसा यहाँ पे माहौल है, आपको दिखा देता हूँ आसपास। मतलब ये काइंड ऑफ भाई साहब बता रहे थे कि जब तालिबान की गवर्नमेंट नहीं थी ये काफ़ी हैपनिंग सा प्लेस था, कुछ ज़्यादा लोग थे, और अभी भाई लोग काइंड ऑफ हैं ही नहीं। तो या ऑफकोर्स तालिबान के आने के वजह से लोग छोड़ रहे हैं। ये भाई साहब अंगूर के लिए बुला रहे हैं, अंगूर एक अंगूर दो। ट्राई कर देखता हूँ कैसे अंगूर। अंगूर मीठे हैं यहाँ पे, काफी मीठे अंगूर हैं। और भाई यहाँ पे जलेबी मिल रहा है, जलेबी है जैसे जलेबी राइट। भाई साहब ने दिया मुझे जलेबी टेस्ट करने के लिए। अच्छी जलेबी है, अच्छी है, बहुत अच्छी है, चीनी वाला है। भाई यहाँ पे मछली 200 लाइक लोकल करेंसी पर किलो मुझे समझ में आया, बट ये भून के देते हैं ऐसा करके भून के देते हैं और इस तरफ बना रहे हैं, एक तरफ का उधर भून रहे एक तरफ का उधर भून रहे थे, इसलिए बीच में उन्होंने ये लगा दिया था। ऑलमोस्ट तैयार है भाई मछली हमारी। भाई मसाला नया मिलाया है यहाँ, हाँ ये मिर्च मसाला है ना, मिर्च मसाला मिलाया उन्होंने। मिर्च ये क्या है, कौन सा मसाला है ये? मसाला है। अच्छा मसाला है, अफगानिस्तान के फ्रूट मार्केट देखो यार, मतलब बेस्ट फ्रूट है इनके पास यार, अगर देखे तो ये देखो तो कितने फ्रूट्स हैं यहाँ पे, मीठे भी हैं काफ़ी, अंगूर हैं यार, बहुत मार्केट है। ये कुछ ऐसा एरिया है, मैं अब घर की तरफ जा रहा हूँ। भाई साहब मछली ले लिया था और ये है ब्रेड, एकदम फ्रेश ताज़ा ब्रेड वहाँ पर पेयर हो रहा है, और यहाँ से ये बच्चा बेच रहा है ब्रेड। हाँ तो भाई क्या प्रॉब्लम थी कि जो मैंने वीज़ा लिया था भाई वो फॉर्मर गवर्नमेंट से लिया था, मतलब जो पिछली गवर्नमेंट थी उससे लिया था, क्योंकि जो तालिबान की जो अभी गवर्नमेंट है उसके कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है अदर कंट्रीज़ में, तो एम्बेसी जो ऑपरेट कर रही है वो पुरानी एम्बेसी ऑपरेट कर रही है, मतलब पुरानी गवर्नमेंट वाली ऑपरेट कर रही है। जब मैं वीज़ा लेने के लिए गया था भाई तो वहाँ पे अफगानिस्तान का ओल्ड फ्लैग लगा हुआ था, अफगानिस्तान के ओल्ड प्रेसिडेंट का फोटो लगी हुई थी, मतलब जिस तरह एम्बेसी में होता है यू नो, तो जिस तरह अभी आप कहीं भी एम्बेसी जाओगे तो आपको मोदी जी की फ़ोटो दिखेगी या तो फिर हमारे प्रेसिडेंट की फ़ोटो दिखेगी और महात्मा गांधी की फोटो वगैरह दिखेगी आपको, अपने इंडियन एम्बेसी की बात कर रहा हूँ, बट वहाँ पे भाई ओल्ड एम्बेसी की फोटो लगी हुई थी, किसी तालिबान मेंबर की वहाँ पे फोटो नहीं लगी हुई थी, तो वो ओल्ड जो गवर्नमेंट थी वही अब वही वीज़ा दे रही थी। तो मुझे वीज़ा मिल गया ओल्ड गवर्नमेंट की तरफ से, मैं अफगानिस्तान में एंट्री कर गया, परंतु भाई अफगानिस्तान के अंदर ट्रैवल करने के लिए आपको एक तालिबान से भी परमिशन लेनी पड़ती है भाई, तालिबान से परमिशन लेना, क्योंकि आप कंट्री के अंदर ट्रैवल करो तालिबान को बताना पड़ता है कि भाई मैं आपके देश आया हूँ मुझे आप परमिशन दो, तो भाई परमिशन के लिए बहुत दिक्कत होती है। मतलब सबसे पहले तो आपको चाहिए लोकल गाइड, लोकल जो पास्तून और फारसी दोनों बोल सके भाई, पास्तून क्योंकि बहुत सारे तालिबान को दारी मतलब जो दारी है या तो फिर फारसी है उसको वो आती नहीं, तो पास्तून जो लैंग्वेज है खंदहार और पाकिस्तान की वो आपको आनी चाहिए। तो भाई मैं परमिशन लेने के लिए गया, वहाँ पे पाकिस्तानी भाई साहब बैठे हुए थे, वो काफ़ी अच्छी उर्दू बोलते थे, उन्होंने उर्दू बोली मुझे कि आपको लेके आना पड़ेगा लोकल, फिर मैं लोकल को लेके गया भाई फरहाद भाई को, उन्होंने काफ़ी सारे कंडीशन बताया यार, खर्चा भी कितना 10-15 हज़ार रुपये का था, फिर मैंने कहा हटाओ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बिना परमिशन के ट्रैवल करूँगा,
तो मैं पूरे अफगानिस्तान बिना परमिशन के ट्रैवल किया हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो लाइक प्रॉब्लम तो भी ऐसा नहीं कहूँगा प्रॉब्लम नहीं हुई, प्रॉब्लम तीन चार बार मैं जेल गया, आने वाले वीडियो में आप देखोगे तीन चार बार मैं जेल गया था तालिबान के जेल, तो यही प्रॉब्लम थी। और या आपको परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो तालिबान गवर्नमेंट से।